नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जिस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं उसका नाम है कोल्ड परस्यू, जिसे डायरेक्ट किया है हैंस पीटर मोलैंड ने और जिसमें मुख्य भूमिका में हैं लिया नीसन, एमी रॉसम, टॉम बैटमैन और टॉम जैक्सन। कोल्ड परस्यू ये मूवी आधारित है 2014 में आई मूवी इन ऑर्डर ऑफ डिसअपीयरेंस पर। और मज़े की बात यह है कि इन ऑर्डर ऑफ डिसअपीयरेंस को भी हैंस पीटर मोलैंड ने ही निर्देशित किया था और ये जो मूवी है कोल्ड परस्यू ये हैंस पीटर मोलैंड की पहली हॉलीवुड निर्देशित मूवी है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये लियाम नीसन की मूवी है, तो जितने भी बैड गाय हैं इस दुनिया में जो भी बुरा करना चाहते हैं किसी इंसान के साथ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा यार लियाम नीसन के साथ कुछ भी बुरा मत करो, तुम्हें पता नहीं है वो आदमी क्या है, तुम सबके बैंड बजा देगा। मतलब लियाम नीसन की मैं काफ़ी सारा मूवी देख चुका हूँ, जैसे टेकन हो गई, नॉन स्टॉप हो गई और भी काफ़ी रिसेंट पास में काफ़ी सारी पिक्चर आई थी, कम्प्यूटर आई थी, तो उसमें लियाम नीसन का जो लियाम नीसन की मूवीज़ एक अलग ही तरीके की रहती हैं। मतलब आप उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप ये भी नहीं, आपको ये पता है कि ये मूवीज़ बोर भी नहीं करेंगी। एक पॉपकॉर्न टाइप की मूवी होती है कि हाँ, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है काटने के लिए तो आप लियाम नीसन की मूवी देखिए, आप निराश नहीं होंगे। तो इस मूवी की जो कहानी है वो भी कुछ ऐसे ही है कि लियाम नीसन जो हैं वो एक नॉर्मल इंसान हैं और वो एक जगह है, छोटा सा कस्बा टाइप का जहाँ पर रिसॉर्ट वगैरह है और उस जगह का नाम है केहो। तो केहो में जो लियाम नीसन है वहाँ पे क्या बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो सड़कों पर बर्फ़ आ जाती है, तो लियाम नीसन का जो कैरेक्टर है वो उन बर्फ़ों को ट्रैक टाइप का रहता है, उनका स्ट्रोलर टाइप का, उससे हटाने का काम करता है। मतलब सड़क साफ़ करने का जो काम है, बर्फ़ को सड़क से साफ करने का जो काम है वो लियाम नीसन के कैरेक्टर का है। वो काम करते हैं, यहाँ पर अपनी बीवी के साथ रहते हैं और अपने एक लड़के के साथ रहते हैं। अब किन्हीं परिस्थितियों में उनके लड़के की मौत हो जाती है ड्रग ओवरडोज के कारण, ये कारण बताया जाता है ड्रग ओवरडोज, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ड्रग कार्टेल ने उनको किल किया है। तो अब लियाम नीसन का जो कैरेक्टर है वो रिवेंज ट्रेल पर निकल पड़ता है ड्रग कार्टेल से। बेसिकली ये मूवी जो है वो शुरू में एक बेसिक लियाम नीसन काइंड ऑफ फ्लिक लगती है जिसमें एक्शन होने वाला है, वायलेंस होने वाला है और एक वन मैन वॉर होने वाली है जिसमें लियाम नीसन जितने भी बैड गाइज उनको किक एस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है तो इसमें थोड़ी सी और लेयर्स आती जाती हैं और आपको एहसास होता है कि ये टिपिकल हॉलीवुड रिवेंज मूवी नहीं है। तो मैं इस मूवी को एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये मूवी तीन लोगों पर आधारित है, एक है लियाम नीसन, दूसरा है ड्रग कार्टेल जो जिम्मेदार है लियाम नीसन के बेटे की मौत का, जिनको हेड करता है वाइकिंग, और तीसरे जो है वाइकिंग का जो राइवल है दूसरा ड्रग लॉर्ड जिसका नाम है वाइट बुल, जिसका किरदार निभाया टॉम जैक्सन ने। तो ये तीन लोगों पर आधारित है, इनके तीनों के ही एक एक बेटे रहते हैं। लियाम नीसन का बेटे की उम्र करीब 18-19 साल रहती है जिसे मार दिया जाता है। उसके अलावा वाइकिंग जो है उसका भी एक बेटा रहता है जिसकी उम्र शायद 10-12 साल रहती है, और जो तीसरा है वाइट बुल उनका भी एक लड़का रहता है जिसकी उम्र मेरे हिसाब से 30 के आसपास रहती है। अब लियाम नीसन जो हैं वो वाइकिंग से बदला लेना चाहते हैं अपने बेटे की मौत का, तो वो वाइकिंग के कुछ लोगों को मारते हैं। अब वाइकिंग को ये लगता है कि ये जो काम है ये वाइट बुल के लोगों ने किया है क्योंकि ये इनके गैंग राइवल हैं, तो ये लोग वाइट बुल के बेटे को मार देते हैं। तो अब वाइट बुल का बेटा किल्ड हो जाता है और लियाम नीसन का बेटा किल्ड हो जाता है। अब दोनों ही जने वाइकिंग से बदला लेना चाहते हैं। तो इस तरीके की कुछ एक मूवी है जिसमें डेप्थ है, सब कैरेक्टर्स में डेप्थ है, और लियाम नीसन भी ऐसा इसमें नहीं दिखाया गया है कि कोई एक्स आर्मी है या एक्स कोई इंटेलिजेंस है या उनके अंदर कोई स्पेशल स्किल है, वो एक नॉर्मल इंसान है जो नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और उनके साथ ये ट्रेजेडी हो जाती है। तो एक नॉर्मल इंसान किस तरीके से बदला लेगा, उसे पता चलेगा कि मेरे बेटे को मारा गया है। और साथ ही इसमें पुलिस के अधिकारी के रोल में हैं एमी रॉसम, उनके करने के लिए कुछ खास है नहीं मूवी के अंदर, उनकी एक इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग एक सेपरेटली चलती है कि जो वाइकिंग के जो लोग हैं उनको कौन मार रहा है, लेकिन एंड तक उनकी इन्वेस्टिगेशन को एक क्लाइमैक्स नहीं दी गई, एंड तक नहीं पहुँचाया गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अधूरी रह जाती है फिल्म के एंड तक। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है वो लियाम नीसन की टिपिकल एक्शन रिवेंज मूवी है तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मूवी है वो आप कह सकते हैं एक्शन ड्रामा और कॉमेडी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में कॉमेडी भी है, काफ़ी डार्क कॉमेडी है, काफ़ी डार्क ह्यूमर है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस फिल्म में जो वायलेंस का ट्रीटमेंट है वो भी बड़ा डिफरेंट है,
मतलब कहीं पर भी वायलेंस है इस मूवी के अंदर, लेकिन वो एक डिफरेंट टाइप का है, कहीं पर भी दिखाया नहीं गया है कि वायलेंस हो रहा है, आपको इमेजिन करना पड़ता है, क्योंकि जब भी कुछ वायलेंस का सीन होने वाला होता है तो वहाँ पे कैमरा कट कर देते हैं, तो आपको सोचना पड़ता है कि इसके साथ इसको कैसी डेथ दी होगी। जो डेथ देने के तरीके हैं वो बड़े ही निराले हैं और बड़े ही मनोरंजक भी हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि इसको डेथ जो दी है तो इसके साथ क्या किया होगा। ऐसे इसमें डायरेक्टली बताया नहीं गया है कि हाँ ये किया गया है, हाँ ऐसा बताया गया है कि गोली मार दी किसी को, लेकिन वो बताया नहीं गया कि उसको गोली लगी है, ठीक है। बाद में उसकी सीधे बॉडी दिखाते हैं, तो वहाँ पर कट सीन है काफ़ी ज़्यादा, और ये थोड़ा सा इस फिल्म को डिफरेंट बनाते हैं दूसरी एक्शन मूवीज से या दूसरे गोर और वायलेंस के सीन से। अब बात कर लेते हैं कॉमेडी की, तो इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी है, और ऐसा इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किया गया है। जो भी जैसे वाइकिंग का जो कैरेक्टर है वो एक ड्रग लॉर्ड का है, लेकिन वहाँ पे भी कॉमेडी है, मतलब वो ड्रग लॉर्ड का कैरेक्टर है, और एक सीन है जिसमें उनकी जो वाइफ है वाइकिंग की, वो उसके पास आती है और उनको बच्चे की कस्टडी को लेके उनमें कोर्ट केस चल रहा है, तो जो वाइकिंग है वो अपनी वाइफ के ऊपर ओवरकम होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी वाइफ कुछ ऐसा करती है कि यार हंसी आ जाती है, और वो उनके वाइकिंग के लोगों के सामने ही करती है, मतलब कुछ भी छुपी नहीं है कि यार बंदा देखेगा यार हमारे बॉस के साथ कैसी बेइज्जती कर दी, हमारे बॉस की कैसे मजाक उड़ा दिया उसका, तो इस तरीके के सीन है जिसमें काफ़ी हंसी आती है। इसके अलावा जो वाइट बुल का कैरेक्टर हो, चाहे लैम निसन का कैरेक्टर हो, चाहे टॉम जैक्सन का कैरेक्टर हो, तीनों ही कैरेक्टर में डेप्थ है, मतलब वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बताए गए हैं जो उन्हीं परिस्थितियों से गुजरते हैं जिन परिस्थितियों से कोई भी आम इंसान गुजरता है। जैसे कि जो वाइकिंग का कैरेक्टर है वो एक ड्रग लॉर्ड है और पुलिस को भी पता है, लेकिन पुलिस कुछ करती रही क्योंकि एक छोटा सा टाउन है, लोगों को हिंसा पसंद नहीं है, सब शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन वाइकिंग भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में भी उलझा हुआ है, साथ साथ उसको ये चीज़ भी फेस करनी पड़ रही है जो इस मूवी में दिखाई गई है। उसके अलावा जो वाइट बुल का कैरेक्टर है उसका भी एक अलग डेप्थ दिखाया गया है, उनके पास ज़्यादा डायलॉग नहीं है, उनको ज़्यादा डायलॉग नहीं दिए गए, लेकिन उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जिस लेवल पे पहुँचे हैं, मतलब जो वाइट बुल का जो कैरेक्टर है वो ड्रग लॉर्ड बना है तो उसने कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे, उन्होंने अपने बेटे को खोया है, उसका दर्द उनकी आंखों में हम देख सकते हैं, और वो रिवेंज के लिए कितने आतुर हैं वो भी इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन वो रिवेंज चाहते हैं आई फॉर एन आई का, कि अगर उनके बेटे को वाइकिंग ने मारा है तो वाइकिंग के बेटे को भी मरना ही होगा। जबकि लियाम नीसन का जो कैरेक्टर है वो आई फॉर एन आई नहीं करता, वो चाहता है कि मेरे बेटे को जिन लोगों ने मारा है उनको मैं पनिश करूँ। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मूवी आम एक्शन रिवेंज मूवीज से भी हटके है, मतलब थोड़ा अलग ट्रीटमेंट दिया गया है, एक रिवेंज मूवी को ज़्यादा डेप्थ देने की कोशिश की गई है, कैरेक्टर्स को ज़्यादा डेप्थ देने की कोशिश की गई है। जो लोग एक्शन ओरिएंटेड फ्लिक सोच के इसको देखना चाहते हैं वो यहाँ पे निराश होंगे, क्योंकि ये टिपिकल एक्शन ओरिएंटेड फ्लिक नहीं है। जो लोग थोड़ी सी स्टोरी ड्रिवन मूवी पसंद करते हैं उनको ये मूवी पसंद आएगी। मुझे ये मूवी अच्छी लगी, मतलब ऐसा नहीं है कि मूवी बहुत ही वाव है या ऐसा नहीं कि मूवी बहुत ही बुरी है। खैर लियाम नीसन की कोई सी मूवी देख लीजिए, ठीक ठाक रहती है, लेकिन इसको मैं कहूँगा कि ये ठीक ठाक से थोड़ी अच्छी है, मतलब अच्छी मूवी है क्योंकि एक स्टोरी ड्रिवन मूवी है। तो मैं इस मूवी को दूंगा 3.5 out of 5 star। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले अपडेट हो। जय हिंद, वंदे मातरम।